झारखंड में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लिबरल्स को अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया है। बिना किसी समुदाय या पार्टी का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा, जो आगजनी कर रहे हैं वो टीवी पर देखे जा सकते हैं, उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा, पूरा देश देख रहा है, संसद में विधेयक पारित होने के बाद लोगों का विश्वास मोदी में अटूट हो चुका है। विपक्ष की गतिविधियां इसी बात का सूचक हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक का संसद में पारित कराना 100% सही रहा है। इस बयान से पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर हो रहे उपद्रव पर प्रकाश डाला है। CAA के विरोध के नाम पर दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद में एक पुलिस थाने पर हमला किया और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्टेशन को भी तहस नहस कर दिया। दंगाइयों ने एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा और उस पर पत्थरबाजी करने लगे। हावड़ा में कई जगह उपद्रवियों ने चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी की, जिसमें यात्री भी सवार थे। इन उपद्रवियों को TMC ने मानो खुली छूट दे दी है, क्योंकि राज्य में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रविवार को खबर आई कि RPF के काफिलों पर हमला किया गया और सागर, दीघी एवं रामनगर में लगभग 4 RPF वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बेलडांगा में कुछ RPF जवानों को उपद्रवियों ने पीटा भी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। परंतु हिंसा की आग यहीं तक नहीं रुकी। CAA के विरोध के नाम पर उमड़ी हिंसा मालदा को भी चपेट में ले चुकी है, जहां उपद्रवियों ने रविवार को भालुका रेलवे स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। उन्होंने न केवल स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर अवरोध खड़ा किया, अपितु टिकट काउंटरों पर भी आग लगाई। कुछ दिनों की हिंसा में उपद्रवियों ने बंगाल में 5 ट्रेन, 3 रेलवे स्टेशन, 1 दर्जन बस और 1 टोल प्लाजा को आग के हवाले कर दिया है। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे आतंकवाद से कम तो नहीं माना जा सकता। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता कि बंगाल में हिंसा प्रमुख रूप से मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में सबसे ज्यादा है, जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है और दोनों ही बांग्लादेशियों के घुसपैठ के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार है, परंतु लेफ्ट लिबरल इस पर मौन व्रत धारण करे बैठे हैं। शायद इन वामपंथियों को समझ में आ चुका था कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रही हिंसा उसे और सशक्त बना रही है। चूंकि यह हिंसा संसद में विधेयक के पारित होने के ठीक बाद हुई थी, इसलिए इस अधिनियम का महत्व सबको समझ में आने लगा। इसीलिए वामपंथी गैंग जानबूझकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर मौन रहा। जो भीड़ हिंसा को भारत के लिए हानिकारक मानते थे, वे सभी पश्चिम बंगाल में उपद्रव होने पर चुप्पी साधे बैठे हैं। परंतु पीएम मोदी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तभी तो जैसे उन्होंने कपड़ों वाला बयान दिया, लिबरल्स मानो खुद ही उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे में कूदने के लिए उमड़ पड़े। द वायर की स्टार रिपोर्टर आरफा खानुम शेरवानी और सबा नकवी तो पूछने लगी कि किन कपड़ों की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लोग पीएम मोदी पर वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी तो महज सत्य बोल रहे थे। द वायर के संस्थापक एवं संपादक M.K. वेणु ने ट्वीट किया, किसी और प्रधानमंत्री ने इस तरह का भड़काऊ बयान कभी नहीं दिया होगा। मोदी जी, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जमा हुए विद्यार्थियों की संख्या देखिए, उनके कपड़े कोई इशारा नहीं करते। सीताराम येचुरी और शहला राशिद जैसे लोग पश्चिम बंगाल की हिंसा पर मानो आंखें मूंदे बैठे थे और इसके लिए भी पीएम मोदी और पुलिस को ही दोषी ठहरा रहे थे। सत्य तो यह है कि ये पीएम मोदी नहीं थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काई हो, ये वामपंथी ही थे जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में निरंतर भ्रामक खबरें फैलाकर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया। जब उनके कारण बंगाल में हिंसा ने विकराल रूप धारण कर लिया, तब वे मौन व्रत धारण कर बैठे। परंतु जैसे ही पीएम मोदी ने इनकी कलाई खोली, लिबरल्स के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बिना सोचे समझे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे उसी पश्चिम बंगाल की हिंसा का हिस्सा बन रहे हैं जिससे वे अभी तक भागने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें अब न केवल घुसपैठियों का बचाव करना होगा, अपितु उन्हें बंगाल में हो रही हिंसा को भी अपनी शैली के अनुसार उचित ठहराना पड़ेगा। सच कहें तो पीएम मोदी ने लिबरल्स के लिए अपने बयान से गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें लिबरल्स बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़े।